वालेकुम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो लेंटल होती है, यानी कि जो दाल होती है माश की दाल, और वो बच जाती है अक्सर, तो उसका हमने क्या करना है। उसकी मैं आज आपको दो रेसिपी सिखाऊंगी लेफ्ट ओवर लेंटल्स के साथ। एक होंगी कचौरियाँ और एक होंगे पराठे। हमने जो बची दाल है वो ले लेनी है, उसके अंदर पिसी मिर्चें, नमक, पिसा जीरा और हरी मिर्चें, गरम मसाला और चाट मसाला, ये सब आपने इसमें शामिल करना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके एक तरफ रख लेना है, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी स्पाइस लेवल आप अपनी मर्ज़ी से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी दाल भी कितनी तीखी और कितनी फीकी बनी हुई है, तो उस हिसाब से भी आपने इसको मेंटेन करना है। अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया है मैदा। अब मैदा लें या आप प्लेन वाला आटा ले लें, उसमें मैंने ऑयल और नमक शामिल किया है। आप उसको मैं पानी से, नीम गर्म पानी से गूंद लूँगी। सबसे पहले आपने जो नमक और ऑयल शामिल करके इसको इस तरह से दरदरा सा कर लेना है, बगैर पानी डाले मिक्स करना है यानी के, और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसको बिल्कुल डो, इसकी सॉफ्ट सी एक डो बना लेनी है, जैसे कि हम अक्सर रोटियों की बनाते हैं। फिर इसकी जब डो आप बना लेंगे तो उसको आपने 5 मिनट ऐसे ही रखना है ढककर। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने दोबारा इसको 15 मिनट के लिए और करना है, थोड़ा सा और इसको गूंदना है। फिर उसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। प्रोसेस कर लिया हुआ है, अब मैं इसको सरफेस पे निकालूंगी सिंपल, और इसको थोड़ा सा और नीट करूंगी। देन इसके बाद हम इसको रोल करके इसके पेड़े कट कर लेंगे जितने हमें करने होंगे। वैसे तो बेसिकली पूरियाँ जो कचौरियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, तो इसलिए हम छोटे छोटे से पेड़े इसके कट कर लेंगे। आप चाहें तो कटर यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप हाथ की ऐसे हाथ से अंदाजे से भी आप इसके पेड़े बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कटर यूज़ किया है, और कितने पेड़े बने हैं मेरे, 8 पेड़े मैंने इसके बनाए थे, और 8 की जगह मैंने इसके 7 कचौरियाँ बना ली थी। अब मैं इसके जो है ना, इसको हाथों पे थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं अपने पाम पर, ताकि ये चिपके नहीं, और इसको इस तरह से कर लेंगे हम फ्लैट। उसके बाद इसमें थोड़ी सी जो दाल है, दाल का मिक्सचर हमने रेडी किया था, वो इसमें डालेंगे और इसे सिक्योर कर लेंगे साइड से। देन आपने इसका अगेन से पेड़ा करना है, और फिर इसको आपने हाथ की मदद से, या आप चाहें तो बेलन की मदद से इसे रोल आउट कर सकते हैं, लेकिन आपने बेलन बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना, या उंगलियां भी आपने, अगर उंगलियों से भी कर रहे हैं आप, तो आपने उंगलियां भी इतनी ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलानी, क्योंकि इससे क्या होगा, ये फट जाएंगी और जो दाल है हमारी वो फिर बाहर आने लग जाएगी। तो पहली तो मैंने इस तरह हाथों से कर ली थी, बट फिर मैंने जो दूसरी और बनाई थी बाकी सारी, तो फिर उसके लिए मैंने बेलन यूज़ किया था, और बहुत हल्के हाथ से, अगेन मैं कह रही हूँ आपने बेलन यूज़ करना है, वरना तो ये फट जाएंगी और फिर तेल में सारा जो दाल है वो सारी तेल में बिखर जाएगी। तो यहाँ मैंने सारी, आप देख रहे हैं, मैंने इसको कर ली हुई है, और अब मैंने एक तरफ ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल हमने डीप फ्राई लेना है, इतना लेना है कि डीप फ्राई करनी है हमें, और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए देन आपने इसके अंदर ये कचौरियाँ इसमें डालनी है और इसको फ्राई करना है। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कितनी ज़्यादा मतलब गोल्डन करना चाह रहे हैं या कितनी लाइट कलर की रखनी है, और बहुत ज़्यादा गोल्डन अगर आप कर लेंगे इसे तो फिर ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी, बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाएंगी। तो इस तरह मैं करके सारी जो है वो बना लूँगी, और अच्छा रखना आपने मीडियम ही स्पीड है, अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो जो है आपकी कचौरियाँ जो है वो जल जाएंगी। देन इसे निकाल लें, और बाकी के जो बैच हैं वो भी इसी तरह फ्राई कर लें आप, और एक बैच में आपने 2 ही डालनी है
वरना ओवरलैप करेंगे आप तो फिर ये जो है चिपक जाएंगे आपस में और सही से कलर भी नहीं आएगा इनका। दूसरी तरफ मैं ये भी दिखा रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपने कचौरियाँ नहीं बनानी, आपने पराठे बनाने, तो आप इसी दाल के पराठे भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के पेड़े लिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। तो उनको इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा बेल कर रख लेना है। उसके बाद आपने एक बिला हुआ पेड़ा उठाना है, यानी कि बिली हुई रोटी उठानी है, उस पर आपने दाल रखनी है और अच्छी तरीके से पूरे में फैलानी है, स्प्रेड करनी है। देन दूसरा वाला जो आपने बेल के रखा था वो उसके ऊपर रखना है और इसे चारों तरफ से सही अच्छी तरीके से पूरा सिक्योर कर लें। ठीक है, इसी तरह से मैंने दोनों कर लिए और यानी कि ये होगा कि एक पराठे में दो पेड़े लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये करके रख लिया। अब इसको हमने बेलना है और बेलन वही अगेन जैसे आपने कचौरियों में बहुत स्लो चलाया था उसी तरह आपने पराठों में भी बहुत स्लो चलाना है, वरना ये पराठे फट जाएंगे। तो ये मैंने बेल के रख लिए हैं और तवा यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है और तवे पे मैंने पराठा डाल दिया है। अब इसे आपने इसको सेक लेना है और दोनों तरफ से आप इसे सेक लें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। का जो बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी और दूसरा भी मैंने इसी तरह से सेक लिया था और इसे अब अलग कर लेंगे, दोनों से अलग कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो कट करें, ना चाहें तो ना करें, कोई मसला नहीं है। बट मैंने इसे कट किया था, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं और चाहें तो कटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कटर की मदद से इसके चार पीस कर लिए थे। मज़ेदार से दाल वाले पराठे और दाल वाली कचौरियाँ भी, चाहें तो आप इसे अचार के साथ, चटनी के साथ और सलाद के साथ और एक गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत क्रंची होते हैं। और इंशाल्लाह हाजिर होंगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। आई एम योर होस्ट अभिषेक, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।